प्रधानमंत्री ने बिंदल में कहा, अब तक मुझे कांग्रेस के लोगों ने इकराने में बार अलग अलग गालियां दी है। प्रधानमंत्री बोले, कांग्रेस का हर व्यक्ति से नफरत करती है जो जनता की बात करते हैं, जो उनके भ्रष्टाचार को सामने लाते हैं, जो उनकी स्वार्थ भरी राजनीति पर प्रहार करता है। इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया। इन लोगों ने शब्द कोश में टाइम खराब करने की बजाय अगर कांग्रेस को इतनी मेहनत गुड गुणस में की होती तो इनकी इतनी दयनीय स्थिति नहीं होती। आपके सपनों को पूरा करने का बीड़ा बीजेपी ने उठाया है। वहीं प्रधानमंत्री आगे कहा, आप सब कैसा कर्नाटक चाहते हैं, जहां हाईवे हो और एक्सप्रेसवे का विस्तार होता रहे, जहां मेट्रो की सुविधा और ज्यादा जिलों तक और भी अधिक संख्या में भारत जैसे आधुनिक ट्रेन चले, जहां हर खेत में सिंचाई की आधुनिक सुविधा हो। वहीं अमित शाह ने कहा, जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस वालों ने की मती मारी गई है। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने पीएम को काला सांप भी कहा। किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। कांग्रेस हर उस व्यक्ति से नफरत करती है जो सामान्य मानवी की बात करता है, जो उनके भ्रष्टाचार को सामने लाता है, जो उनकी स्वार्थ भरी राजनीति पर प्रहार करता है। कांग्रेस की नफरत उससे परमानेंट हो जाती है।